एक हफ्ते पहले ही 30 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और एक हफ्ते में ही कई बार मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। दरअसल पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार की शाम को बादल फटने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जब अमरनाथ यात्रा पर यह घटना हुई तब मौके पर करीब 12,000 यात्री मौजूद थे। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। लोगों के मुताबिक अमरनाथ की गुफा के दाहिनी तरफ से पानी का भयानक बहाव आया और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। इसके अलावा पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं के 15 से 20 कैंप्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सुरक्षा बलों का कहना है कि इस हादसे की चपेट में 40 से 50 लोग आ गए थे। इस घटना के दौरान 3 लंगर बह चुके हैं। हर लंगर में करीब 15 से 20 टेंट बह गए। हर टेंट में कम से कम 2 से 3 लोग थे, यानी कम से कम 40 से 50 लोग टेंट के अंदर थे। अभी भी बहुत सारे लोग लापता है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। एलजी ऑफिस ने भी बयान जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड के अधिकारी रेस्क्यू में जुटे हैं। इस हादसे को लेकर उन्होंने पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की है।